हमारे बीच में नॉर्थ रीजन आकाश बायजूस नॉर्थ रीजन के रीजनल डायरेक्टर सर, नॉर्थ इंडिया के परमेश्वर झा सर मौजूद हैं, हमारे सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर प्रीतम सर मौजूद हैं, रीजनल ग्रोथ एंड सेल्स हेड विकास सर, एरिया बिजनेस हेड परमिंदर सर, ब्रांच मैनेजर अखनूर रोड सुमित सर यहाँ पर मौजूद है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट सर एंड अमर सर इज ऑल्सो विद अस, आई वुड रिक्वेस्ट सर टू स्टार्ट द प्रेस कॉन्फ्रेंस सर, थैंक यू। सो थैंक यू आप सभी को, आप सब आज हम अखनूर रोड पे जम्मू में ये तीसरा ब्रांच ओपन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमें बच्चों का। और मैं आपको बता दूं, ये कॉरपोरेट ब्रांच है, मतलब कंपनी ओन्ड ब्रांच है हमारा। अब तीनों के तीनों ब्रांच जो जम्मू का है वो कंपनी ओन्ड ब्रांच है, उधमपुर कंपनी ओन्ड ब्रांच है, और कश्मीर में भी हमारा 4 ब्रांच है। तो आप अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में हमारा ये 8वां ब्रांच है और जम्मू में ये हमारा 3रा ब्रांच है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है बच्चे का। अगर आप ऑल इंडिया नीट की बात करेंगे उसमें भी टॉप 10 में रिजल्ट रहा है, जेई मेन जेई एडवांस में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, ओलंपियाड में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, और पेरेंट का और बच्चों का काफ़ी इनॉर्मस रिस्पांस है। अगर मैं अखनूर रोड की ही बात करूँ तो 300 प्लस एडमिशन के आसपास अभी हमारा है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1000 प्लस बच्चा इसी साल हमें अखनूर रोड में भी मिलेगा। सो जैसा मैंने बोला कि आज के डेट में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट, चाहे आप इंजीनियरिंग का ले लो, मेडिकल का ले लो, डिफरेंट ओलंपियाड्स का ले लो, यूपीएससी का ले लो, आप देखेंगे छोटे छोटे सिटी से भी काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और यही रीजन है कि आकाश अब डोर टू डोर कह सकते हो कि tier 2 tier 3 सिटी में भी जहाँ टैलेंट है, जहाँ हम उनको नर्चर कर सकते हैं, बच्चों में कह सकते हैं एक फायर है जिसको हम जगा सकते हैं, तो इसी वजह से हमने अखनूर रोड में भी एक प्लान किया है और ये हमारा आज इनॉग्रेशन है। और इसी पे मैं अपने बच्चों को उसके बाद इस एरिया में जो भी बच्चे हमारे आसपास हैं उन सारे बच्चों को, हमारे सारे स्टाफ को, सारे मीडिया कर्मी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप इस सेंटर से भी बहुत जल्द एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा इंजीनियर बनते हुए देखेंगे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन कुछ हो तो कुछ भी, किसी के कोई क्वेश्चन है। मेरा नाम परमेश्वर झा है और मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ आकाश इंस्टीट्यूट में, और मैं जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और चंडीगढ़ एरिया देखता हूँ। आप लोगों का कोई क्वेश्चन कुछ आप। सर ये जो एडमिशन है, एडमिशन हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बस एक दो दिन में हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, अब तो क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। पहला बैच हमारा आज से ही रन हो रहा है, इनॉग्रेशन डे पे ही हम रन कर रहे हैं पहला बैच, और सारे ट्रेंड फैकल्टी जितने भी हाईली एडुकेटेड और हाईली ट्रेंड फैकल्टी, जो आकाश का एक नॉर्म है, और जो मैंने बोला कि दिल्ली गवर्न ही है ये भी ब्रांच, तो आज से हम बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा अभी दूसरा बैच तीसरा बैच अभी काफ़ी है, तो आगे पाइपलाइन में है। और स्पेशल टू यू ऑल कि अगर कोई मीडिया पर्सनल के भी बच्चे हैं तो हम उनका स्पेशल भी कंसिडर करेंगे। हाँ, अब अगर आप देखेंगे तो छोटे tier 2 tier 3 सिटी में, जैसे अभी हम उधमपुर है, रजौरी में अभी हमने एक अपना इन्फॉर्मेशन सेंटर डाला है, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको कठुआ में भी दिखाई दे या रजौरी में भी फुल फ्लेज ब्रांच दिखाई दे, जहाँ से हम देखेंगे कि अच्छा टैलेंट है, अच्छा रिस्पॉन्स है, बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या पेरेंट और बच्चों का अच्छा डिमांड है। इस रोड में हमने क्यों खोला, क्योंकि इस तरफ के बच्चे का काफ़ी डिमांड था कि सर हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है उधर गांधीनगर या कच्ची छावनी जाने में, तो आप इधर ही आ जाओ, तो हम उनके पास आ गए। मैं यही कहूंगा कि देखिए, अगर आप बात करेंगे, मैं दो हिसाब से बात करूंगा, एक परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो देखिए मेहनत करते रहना चाहिए, कंसिस्टेंट जैसा मैं बोलता हूँ, 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स जितना हो सके सेल्फ स्टडी, उसके बाद मेंटोर्स का गाइडेंस लाइक आकाश इंस्टीट्यूट, और पेरेंट का साथ होना चाहिए, तो कोई भी टास्क मुश्किल नहीं है।
और आज के डेट में आप देख ही रहे हैं कि ऑल इंडिया लेवल पे भी काफ़ी सीट्स मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बढ़ रही है, तो अब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रहा है बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर और इंजीनियर्स अब हम मास में प्रोड्यूस कर पाएंगे, जो कि आप सबको पता है हेल्थ सेक्टर में अभी हमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, और उसमें एज एन आकाश हम तत्पर हैं कि अच्छे से अच्छे और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए क्या है? जो अफोर्ड नहीं कर पाते ज्यादा फीस, उनके लिए क्या है? मैं आपको बताता हूं, हमारा एक स्कॉलरशिप एग्जाम होता है जो ऑलरेडी हो चुका है, नेशनल आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम, उसमें हम कई बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, इवन फूडिंग लॉजिंग भी देते हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं दिल्ली जाके पढ़ना चाहता हूँ, या मैं चंडीगढ़ जाके पढ़ना चाहता हूँ, या जम्मू में आके पढ़ना चाहता हूँ, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कई बच्चे का। तो वो एग्जाम तो हमारा ओवर हो चुका है, बट अभी हमारा एक स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, असेसमेंट कम स्कॉलरशिप टेस्ट, ACST हम बोलते हैं। तो एक्चुअल नाम आप एडमिशन कह लीजिए या असेसमेंट है एक्चुअली वो, सो असेसमेंट कम स्कॉलरशिप टेस्ट है वो। उस हिसाब से हम अप टू 90% तक स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड करते हैं ऑन ट्यूशन फी। उसके बाद मटियर्स फैमिली के लिए, डिफेंस फैमिली के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट है। मटियर्स फैमिली के कोई बच्चे होते हैं उनके लिए भी अप टू 100% ट्यूशन फी पे डिस्काउंट है। और मैंने बोला इकोनॉमिकली कोई वीक है तो उसके लिए हम ब्रांच पे ही एक एग्जाम कराते हैं, और जितना हेल्प हो सकता है हम अपने हिसाब से करते हैं। नहीं, ये ब्रांच हमारा ऑफलाइन सेंटर है, ऑफलाइन क्लासेस इस ब्रांचेस पे चलेंगे। 11 क्लासरूम हमने बनाए हैं यहाँ पर, तो ऑफलाइन चलेंगे। अभी हम हाइब्रिड पे अभी हमारा ध्यान नहीं है, क्योंकि आप सबने देखा कि ड्यूरिंग पेंडेमिक आप सबने देखा कि ऑनलाइन में बच्चे ने काफी तकलीफ झेला है। इफ रिक्वायर्ड, मान लीजिए रजौरी के बच्चे हो गए, या डोडा के बच्चे हो गए, या कठुआ के बच्चे हो गए, उनको लगता है कि हम डेली नहीं आ सकते, तो वी मे प्लान इन फ्यूचर कि हम हाइब्रिड भी ऑप्शन दे देंगे। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है हमारा, एडमिशन इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। मैंने बोला ना 300 प्लस के आसपास एडमिशन भी है हमारा, सो अच्छा रिस्पांस है कम टाइम में। रिसेंटली हमने एडमिशन ओपन किया है और 300 प्लस एडमिशन है, तो हमें लगता है 1000 प्लस 1500 प्लस इसी साल बच्चे हमें रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारा जो यहाँ पर होता है स्कॉलरशिप के लिए कुछ नहीं, वो मैथ और साइंस बेस्ड एग्जाम होते हैं हमारे, जो 10th बेसिस पे जिस ग्रेड में बच्चा है, जिस क्लास में बच्चा है, उसी में मैथ और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। बड़ा नॉमिनल सा क्वेश्चन होता है और बच्चे परफॉर्म करते हैं, तो हम मैंने बोला ना जैसे डिफेंस में हो गया, इवन मीडिया पर्सनल हो गए, ध्यान रखना पड़ता है, तो हम एडिशनल भी पर्सन टू पर्सन हम रिक्वेस्ट दिल्ली भेज के मतलब कर देते हैं। हाँ, टेस्ट की कोई फी चार्ज नहीं है। जैसे आज ही किसी बच्चे को आना है आपके फैमिली में, देखिए मेरा एक मकसद है एक एज एन आकाश कि जैसे आज वर्ल्ड हेल्थ डे भी है, तो एटलीस्ट जो हेल्थ केयर में जो हमारा इंफ्रा है, या नंबर ऑफ डॉक्टर्स है जिसकी रिक्वायरमेंट काफी है, या इवन एक सक्सेसफुल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट काफी है अपने कंट्री में। आज देख लीजिए इतने सारे मतलब फाउंडर डायरेक्टर बन रहे हैं, या कोई इनिशिएटिव आ रहा है, जो स्टार्टअप्स है हमारा, तो अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है। आने वाला 100 ईयर्स ऐसा बोला जा रहा है कि प्योर टेक्नोक्रेट का होगा, इंजीनियर का होगा, और हम एक अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर प्रोड्यूस करते रहेंगे।